किसान कृषि योजना डिजिटल सोलर इंडिया युवाओं के लिए लाया है रोजगार का सुनहरा मौका। कंपनी को पूरे यूपी जिले से लेकर न्याय पंचायत में जुझारू और मेहनती युवाओं की जरूरत है, तो देर किस बात की। आपके ख्वाब पूरा होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पता है केडी इंटरप्राइजेज, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। हमारा मोबाइल नंबर है 7881109261 और 7991579262। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बूंदाबांदी के साथ गलन बढ़ सकती है। लखनऊ में थाना नाका हिंडोला में तैनात कांस्टेबल रवि को पुलिस उपायुक्त ने सम्मानित किया। पुलिस उपायुक्त अपर्णा रजत कौशिक ने रवि को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सुल्तानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके त्रिपाठी ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएमओ ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नया साल मनाएं। सुल्तानपुर में जाम की समस्या से लोग लगातार परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहां कॉम्प्लेक्स के मालिकों को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग नोटिस दी गई है, लेकिन अभी तक किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। सुल्तानपुर में विधायक विनोद सिंह ने जनता दरबार लगाया। विधायक ने लोगों की समस्या सुनकर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने विधायकों के साथ बैठक की। सांसद ने यहां जल निगम को अल्टीमेटम दिया और कहा कि किसी भी काम के लिए जो भी रोड तोड़ेगा वही रोड बनाएगा। सुल्तानपुर में प्रधानों का धरना आखिरकार खत्म कराया गया। बताया जा रहा है कि विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह समेत सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने प्रधानों को समझाया, तब जाकर धरना खत्म हुआ। अमेठी में डायल 112 ने एक युवक की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि यहां एक युवक आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि वो अपने परिवार की दिक्कतों से परेशान था। बहरहाल पुलिस ने युवक को समझाकर वापस घर भेज दिया। अमेठी में डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। यहां निराश्रित गौवंशों के संरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अमेठी में डीएम ने जिला श्रम बंधु की बैठक की। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। अमेठी में AH इंटर कॉलेज जगदीशपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बच्चों को कंबल बांटे। वहीं विद्यालय के होनहार बच्चों को स्वास्थ्य किट देने के साथ साथ उनके 6 महीने की फीस भी भरी गई। अमेठी में 3 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को विदाई दी गई। इनमें उप निरीक्षक विश्वनाथ वर्मा, उप निरीक्षक श्रीनिवास तिवारी और प्रधान परिचालक शामिल हैं। अमेठी में पुलिस अधीक्षक ने नए साल को लेकर लोगों को जागरूक किया। SP ने कहा कि पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी होगी और पुलिस सादे कपड़े में भी शोधों पर नजर रखेगी। रायबरेली में SDM सदर शिखा संखवार और COCT वंदना सिंह ने शराब की दुकानों पर छापा मारा। यहां रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग की गई। बहराइच में CO नानपारा राहुल पांडे ने नेपाल बॉर्डर के पास मौजूद गांवों में चौकीदारों के साथ बातचीत की और सभी को बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखें। बहराइच में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि यहां नेपाल से बहराइच आ रही गाड़ी संख्या 05360 और बहराइच से मैलानी जा रही गाड़ी संख्या 05361 रिसिया रेलवे स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई थी। बहराइच में DM और SP ने पैदल गश्त किया। यहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बहराइच में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने CO नानपारा और प्रभारी निरीक्षक नानपारा के साथ पैदल गश्त की। यहां लोगों से शांतिपूर्वक नया साल मनाने की अपील की गई। रामपुर में कांग्रेस नेताओं ने शहर में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर लगाए। बताया जा रहा है कि ये तैयारियां 3 जनवरी को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर की जा रही हैं। लखीमपुर में राज्य स्तरीय टीम ने MR एलिमिनेशन हेडकाउंट सर्वे का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और VHND सत्रों पर टीम ने बारीकी से पड़ताल की। लखीमपुर खीरी में एक दिवसीय योग शिविर में मेडिटेशन कराया गया। यहां छोटे छोटे बच्चे भी योग करते नजर आए। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।